हम लोगों ने 26 के चैप्टर को स्टार्ट कर रखा है, जो नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन का है। ये जो चैप्टर था, इसमें एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर एक तो थी क्रेनियल नर्व, जो 12 पेयर होती है, जिनकी स्टडी अपन कर चुके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व कहाँ से अराइज होती है? स्पाइनल कोड से अराइज होती है। पीछे वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो स्पाइनल कोड है उसका क्या देखा था, डायग्राम देखा था, जिसके अंदर अपन ने बताया था कि जो स्पाइनल कोड है उसकी शेप कैसी होती है, बटरफ्लाई के जैसी बताई थी। अब इसके अंदर टू रूट का फॉर्मेशन किया था, ऐसे बना करके ऐसे फॉर्म बनाई थी बटरफ्लाई के जैसी। ये वाली तो थी डोर्सल फॉर्म और ये वाली कौन सी थी, वेंट्रल फॉर्म। ये तो थी डोर्सल फॉर्म और ये कौन सी थी, सॉरी नीचे वाली तो थी वेंट्रल फॉर्म और ऊपर वाली कौन सी थी, डोर्सल फॉर्म थी। अब जो स्पाइनल कोड होता है वो कहाँ से कहाँ होता है? स्पाइनल जो कोड होता है वो ब्रेन के मेडुला ओब्लोंगेटा से स्टार्ट होता है स्पाइनल कोड, और कहाँ तक, ट्यूबुलर फॉर्म कहाँ तक एक्सटेंड रहती है, लूमर तक एक्सटेंड रहती है। फिर अपन बात करते हैं कि जो स्पाइनल कोड से जो नर्व निकलती है वो कौन सी होती है, स्पाइनल नर्व। और स्पाइनल नर्व कितनी पेयर होती है, 31 पेयर होती है स्पाइनल जो नर्व होती है वो। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, स्पाइनल नर्व कितने पेयर होती है, 31 पेयर होती है। अब देखिए अपन ये देखते हैं, ये जो लूमर वाला जो पार्ट होता है, अब जैसे देखिए ये हो गई वर्टिबल कॉलम। यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बना रखा है ये वर्टिबल कॉलम का बना रखा है, ये वर्टिबल कॉलम के साथ साथ चलती रहती है। अब स्पाइनल जो कोड होती है या स्पाइनल जो नर्व होती है, जैसे ही कहाँ पहुँचती है, इस लूमर वाली पार्ट तक पहुँचती है, यानी कहाँ से स्टार्ट होती है, वर्टिबल कॉलम से। वर्टिबल कॉलम है, फिर उसके पास में क्या क्या चलता है, स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड से जो नर्व निकलती है वो हो गई स्पाइनल नर्व। तो मेडुला ओब्लोंगेटा से क्या जुड़ा रहता है, जैसे ये वाला हिस्सा है मेडुला ओब्लोंगेटा, फिर यहाँ से किसके साथ जुड़ेगा, वर्टिबल कोलम के साथ साथ लूमर तक चली जाएगी स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व जैसे लूमर, लूमर का मतलब अपनी कमर को बोलते हैं, जैसे ही हमारी कमर तक पहुंचती है तो ये फैल जाती है, और फैल करके कहाँ तक चली जाती है, अपने जो हैंड्स तक चली जाती है, इधर कहाँ तक चली जाती है, लेग्स तक चली जाती है। यानी स्पाइनल जो नर्व होती है लूमर तक आने पर स्वेल हो जाती है, स्वेल होकर के ये हैंड्स और जो लेग्स होते हैं वहां तक एक्सटेंड हो जाती है। अब उसके बाद में अपन ये देखते हैं कि ये निकलती कहाँ से है, तो निकलेगी कहाँ से अपन को ये देखना होता है। देखिए जो ह्यूमन के जो वर्टिबल कॉलम है, जो ये मैंने बना रखी है, जो वर्टिबल कॉलम्स जो होते हैं उनके ईच वर्टिबी, जैसे मान लीजिए ये हो गया एक पार्ट, एक पार्ट ये हो गया, या फिर जैसे एक वर्टिब्री ये हो गई, एक वर्टिब्री ये हो गई, एक वर्टिब्री ये और एक वर्टिब्री ये, दोनों वर्टिब्री के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इंटरवर्टिब्रल स्पेस, इंटरवर्टिब्रल स्पेस प्रेजेंट होता है। तो इंटरवर्टिब्रल जो स्पेस होता है, यानी कि टू वर्टिब्री के बिटवीन में इंटरवर्टिब्रल स्पेस से क्या निकलती है, यहां से क्या निकलेगी, स्पाइनल नर्व निकलती है। जैसे यहां ऐसे क्या निकलती है, स्पाइनल। तो स्पाइनल नर्व जो होती है, क्योंकि यहाँ से क्या, इसके साथ साथ में क्या प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कोड साथ साथ में चल रहा है वर्टिबल कॉलम के, तो ईच टू वर्टिब्री के बिटवीन में जो इंटर वर्टिबल स्पेस होता है वहां से क्या अराइज होती है, स्पाइनल नर्व अराइज होती है। ये जो स्पाइनल नर्व होती है ये डोर्सल रूट से निकलती है, जैसे ये वाला, ये स्पाइनल कोड हो गया, ये वाला इसका क्या होता है, डोर्सल रूट से निकलती है, आगे जाकर के एक नर्व का स्वेल फोर्सन बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं, डोर्सल गैंगलियन बोला जाता है। तो डोर्सल रूट से जो नर्व निकलती है तो वो तो कौन सी हो गई, सेंसरी स्पाइनल नर्व हो जाती है। वेंट्रल रूट से जो नर्व निकलती है वो कौन सी हो जाती है, मोटर स्पाइनल नर्व हो जाती है।
इसीलिए जो स्पाइनल नर्व है वो टू टाइप्स की होती है, यानी मिक्स्ड होती है। कौन कौन सी हो गई है? सेंसरी और मोटर नर्व टाइप की होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये कहाँ से निकलती है, दो वर्टिब्री के बीच से निकलती है। डोर्सल वाला पार्ट थोड़ा फूला हुआ रहता है, डोर्सल रूट से निकलती है। जो फूला हुआ पार्ट होगा डोर्सल गेंगलियन बोलते हैं। डोर्सल साइड से जो नर्व निकलती है उसका नाम तो हो गया सेंसरी स्पाइनल नर्व है। वेंट्रल सेराइज होगी उनका नाम क्या हो जाएगा? मोटर स्पाइनल नर्व है। बोथ आर कैरेक्टर्स इन्वॉल्व इन दिस सो इज नोन एज द मिक्स्ड स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होती है। ये कितने पैर बताइए? 31 पैर बताइए। अब इसमें से देखते हैं कि वो कौन कौन सी होती है। तो इसके लिए थोड़ा सा अपन रफ करके जगह कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे फर्स्ट है सर्वाइकल स्पाइनल नर्व। कौन सी है? सर्वाइकल स्पाइनल नर्व। सर्वाइकल स्पाइनल नर्व होती है 8 पेयर। सर्वाइकल स्पाइनल नर्व कितनी है? 8 पेयर। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, सर्वाइकल स्पाइनल नर्व कितनी होती है? 8 पेयर होती है। सर्वाइकल स्पाइनल नर्व ही नहीं, यहाँ पे ये सर्वाइकल स्पाइनल। सर्वाइकल का मतलब क्या होता है? नेक रीजन वाली होती है, उसको क्या बोलते हैं? सर्वाइकल स्पाइनल नर्व बोला जाता है। तो ये नेक रीजन वाली है। तो कितने पेयर होते हैं यहाँ पे? 8 पेयर होती है। फिर उसके बाद में आती है थोरेसिक स्पाइनल नर्व, यानी अपने थॉट वाली, नेक से रीजन वाली। थोरेसिक स्पाइनल नर्व कितनी होती है? 12 पेयर होती है। सर्वाइकल नेक वाले कितनी है? 8 पेयर है। थोरेसिक वाले कितनी हो जाएगी? 12 पेयर हो जाएगी। फिर होती है लूमर स्पाइनल नर्व, यानी कमर वाली, इसको बोलते हैं कमर वाली। तो ये कितनी होती है? 5 पेयर होती है। 5 पेयर स्पाइनल नर्व है। फिर है सैक्रल, ये वाला हिस्सा कौन सा होता है? सैक्रल वाला पॉइंट है ये। तो सैक्रल वाली कितनी होती है? ये भी कितनी होती है? 5 पेयर होती है। सैक्रल कितने पेयर है? और ये जो लास्ट में जो पॉइंटेड पार्ट होता है, जो किसके साथ जुड़ा रहेगा? अपने पैल्विक रीजन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, यानी जो अपने हिप होते हैं, हिप या पैल्विक रीजन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं कॉक्सल बोला जाता है। तो कॉक्सल वाली कितनी होती है? 1 पेयर। कॉक्सल कितनी होती है? 1 पेयर होती है। तो एक बार वापस से देखिए, इनकी पेयरिंग आपको ध्यान में रखनी है कि सर्वाइकल स्पाइनल नर्व 8 पेयर, थोरेसिक 12 पेयर, लूमर कमर वाली 5 पेयर, सैक्रल 5 पेयर और कॉक्सल कितनी होती है? 1 पेयर होती है। अब अपन देखते हैं ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होती है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? सर्वाइकल नेक रीजन वाली है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होगी, यानी ये वर्टिब्रल कॉलम बनाया है। तो फर्स्ट क्या होगी? वर्टिब्री। तो फर्स्ट वर्टिब्री टू बिलो द सर्वाइकल वर्टिब्री, यानी फर्स्ट वर्टिब्री टू बिलो द सर्वाइकल वर्टिब्री, यानी ये जो सर्वाइकल वर्टिब्री, ये जो डायग्राम मैंने बनाया ये सर्वाइकल वर्टिब्री का बनाया। तो फर्स्ट वर्टिब्री टू बिलो द सर्वाइकल वर्टिब्री, यानी कि फर्स्ट वर्टिब्री से जो नेक वाली वर्टिब्री के नीचे तक होती है, मान लीजिए ये नेक, तो इसके यहां तक कौन सी प्रेजेंट हो जाएगी? सर्वाइकल स्पाइनल नर्व प्रेजेंट हो जाएगी। फिर बात आती है थोरेसिक की। तो थोरेसिक कहाँ हो जाएगी? बिलो, जैसे यहाँ किसकी बना रखी है मैंने? थोरेसिक वर्टिब्री है ये, तो थोरेसिक वर्टिब्री के नीचे, थोरेसिक जो वर्टिब्री बिलो द ईच थोरेसिक वर्टिब्री ऑन द बोथ साइड्स, यानी इसके दोनों साइड में चलेगी। फिर उसके बाद में कौन सी है? लूमर स्पाइनल नर्व है। तो लूमर वाला पार्ट आ गया, तो बिलो ईच लूमर वर्टिब्री ऑन द बोथ साइड, जैसे मान लीजिए ये लूमर है, तो ये लूमर वाली हो गई, तो लूमर के यहाँ एक साइड से यहां से निकलेगी, एक यहां से निकलेगी, यानी लूमर की जो वर्टिब्री होगी उनके नीचे से क्या निकलती है? लूमर स्पाइनल नर्व है। फिर बात आती है सैक्रल की, जो ये रहा सैक्रल वाला पार्ट, तो जो नियर द सेकेंड सर्वाइकल लेवल ऑफ द स्पाइनल, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन किसकी बात करते हैं? कॉक्सल की। तो मान लीजिए कॉक्स तो सैक्रल के नीचे हो गया, तो क्या हो जाएगा इसका? सैक्रल के अंदर अपन बता देंगे कि ये जो सैक्रल और कॉक्सल
बीच में दोनों तरफ पाई जाती है, यानी कि ये मान लीजिए कॉक्सल, ये हो गया सैक्रल, तो इनके बीच में क्या, ये हो गया कॉक्सल, ये सैक्रल, तो यहां पर क्या पाई जाएगी, कॉक्सल नर्व प्रेजेंट होती है। तो ये पूरा टॉपिक किसका था, स्पाइनल नर्व का था। एग्जाम के अंदर मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितने कि थोरेसिक नर्व कितने पैर है, लुम्बर कितने पैर है, सैक्रल नर्व कितने पैर होती है, कॉक्सल ये तो चलती है पैर में। और यहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू आपको क्या बताया, जो वर्टिबल कॉलम होती है, तो वर्टिबल कॉलम जैसे सेरिबैकल वर्टिब्री है, तो इस वर्टिब्री तक क्या होता है, सेरिबैकल नर्व है। थोरेसिक जो वर्टिब्री होगी उसके पास में कौन सी हो जाएगी, थोरेसिक नर्व है। लूमर जो वर्टिब्री होगी वह लूमर नर्व हो जाएगी। सैक्रल में सैक्रल, और सैक्रल और कॉक्सल के बीच में क्या हो जाएगी, कॉक्सल नर्व, स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अपन वीडियो की बात करेंगे, वो करेंगे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे अपन ऑटोनोमस नर्व सिस्टम की। ये था स्पाइनल नर्व का टॉपिक होता है, जो कितनी पेर होती है, 31 पेर होती है स्पाइनल नर्व।